मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूं, पर 2 और 3 अक्टूबर को नहीं। ये संवाद अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि ये फिल्म किस स्तर तक जा सकती है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई नौटंकी, और फिर भी लोग एक रीमेक के लिए उत्सुक है। जी हाँ, एक रीमेक के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित दृश्यम 2 एक रीमेक होते हुए भी दर्शकों को आकृष्ट कर रही है, और कैसे ये बॉलीवुड के सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इन दिनों बॉलीवुड का हाल क्या है, यह किसी से नहीं छुपा है। ऐसे में आवश्यकता है एक दमदार फिल्म की जो बॉलीवुड को इस दलदल से बाहर निकाल सके, और ऐसे में दृश्यम 2 वो चलचित्र साबित हो सकती है। जीतू जोसेफ के मूल फिल्म के हिंदी रूपांतरण के रूप में ये फिल्म काफी व्यवधानों के बाद अब सिनेमा घर में आने को तैयार है। इसके निर्देशक प्रारंभ की भांति निशिकांत कामत ही होते, परंतु वर्ष 2020 में उनका असामयिक निधन हो गया, जिसके पश्चात अब निर्माता अभिषेक पाठक इस फिल्म से निर्देशन में डेब्यू करेंगे। फिल्म के मूल कास्ट के अलावा अक्षय खन्ना भी एक प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगे। अब आप ही सोच रहे होंगे कि जिस वर्ष में एक भी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्म तमीज से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ पार करने में हाफ जाए, वहां एक रीमेक के लिए इतनी उत्सुकता क्यों और किस लिए? कारण है दृश्यम 2 का अलग दृष्टिकोण, जो मूल फिल्म से उसे अलग बनाती है, ठीक पुराने दृश्यम के हिंदी संस्करण की भांति। बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिनके हिंदी रीमेक ना केवल प्रभावशाली होते हैं अपितु अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं, और दृश्यम 2 एक ऐसी ही हिट फिल्म हो सकती है। मूल फिल्म 2013 में प्रदर्शित जीतू जोसेफ के मलयाली संस्करण के ठीक 2 वर्ष बाद हिंदी में प्रदर्शित हुई थी, जिसे निशिकांत कामत ने निर्देशित किया, परंतु इसे अजय देवगन और निशिकांत कामत की जोड़ी ने जो रूप दिया वो आज भी दृश्यम के हिंदी संस्करण को अति लोकप्रिय बनाता है। निसंदेह मोहनलाल के प्रभुत्व और उनके अभिनय के कौशल को कोई नहीं पछाड़ सकता, लेकिन जो उसे अपने अभिनय में टक्कर दे वो भी इग्नोर करने योग्य तो नहीं हो सकता ना। अब लोगों को ढोल पीट पीट कर बताना पड़ता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, क्योंकि सोशल मीडिया की कृपा से लोगों को लगता है कि 2 अक्टूबर को या तो शास्त्री जयंती है या फिर उन्हें पता है कि 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर के परिवार ने क्या क्या किया था। यह है एक अच्छी और सच्ची फिल्म की शक्ति। सोचिए, जो फिल्म 2015 में बाहुबली के कुछ ही समय बाद बिना ढिंढोरा पीटे और बिना तामझाम काफी लोकप्रियता बटोरी हो और 100 करोड़ से अधिक कमाए, वो अलग, तो फिर ये फॉर्मूला तो लागू होता ही है। पैसा ही पैसा होगा। इसके अतिरिक्त दृश्यम 2 के संवाद भी अपने आप में इस फिल्म के बारे में अधिक कुछ रिवील नहीं करते, परंतु दर्शकों के बीच उत्सुकता अवश्य बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए जब अक्षय खन्ना बोलते हैं, केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूं, या तब्बू बोलती हैं, एविडेंस है, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। ये सब आपको सिनेमा घरों की ओर आकर्षित करने हेतु पर्याप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त दृश्यम की लोकप्रियता देखें तो आप इसके मल्टीपल रीमेक्स के पैमाना लगा सकते हैं कि ये कितने लोकप्रिय हैं। जिस फिल्म के मूल संस्करण से अधिक हिंदी में लोकप्रियता हो, जिसका चाइनीज रीमेक तक बन जाए, तो सोचिए उसका प्रभाव कैसा होगा। ऐसे में स्वयं अजय देवगन के लिए यह कार्य सरल नहीं रहा होगा, विशेषकर तब जब निशिकांत कामत जैसे भरोसेमंद निर्देशक साथ नहीं हो, जिन्होंने फोर्स नामक दमदार और असरदार रीमेक दर्शकों को पहले ही दिया था, जिसका मूल संस्करण वर्षों पूर्व तमिल में गौतम वासुदेव मेनन ने बनाया था। परंतु सरल कार्य करना अजय देवगन की डिक्शनरी में कहां? उन्होंने सदैव दुष्कर प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, भले ही वो उन्हें उचित लाभ दे या नहीं। कुछ लोग अजय को रीमेक के बल पर उठने वाले स्टार भी कहते हैं, परंतु यदि अजय ने रीमेक उठाए भी है तो कम से कम मूल किरदार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। हां जी, सिंघम रिटर्न सबको प्रिय नहीं लगी होगी, पर यह मत कहिएगा कि मूल सिंघम का रीमेक आपको प्रिय नहीं लगी, क्योंकि अजय देवगन ने इसे भी अपना पर्सनल टच अवश्य दिया।
आपको पता है विक्रम वेदा का हिंदी संस्करण घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप क्यों सिद्ध हुआ? मूल बजट का फिल्म 11 करोड़ था और उसकी कुल कमाई 70 करोड़। अब जब रीमेक का बजट ही 175 करोड़ हो तो कमाई तो मत पूछो भैया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके अतिरिक्त अजय देवगन इस चीज से भली भांति परिचित है कि समय के साथ जो नहीं चलेगा वो आगे नहीं टिक पाएगा। फिल्म उद्योग में वर्चस्व की लड़ाई में पहले ही बॉलीवुड बहुभाषीय यानी पैन इंडिया उद्योग से पिछड़ता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अजय देवगन ने वर्ष 2015 से ही दृश्यम, कायथी जैसे सुपरहिट फिल्मों की रीमेक बनानी प्रारंभ कर दी, जिसमें दृश्यम के रीमेक से उन्होंने यश और समृद्धि दोनों ही कमाई। इसके साथ ही साथ वो SS राजामौली की बहुप्रतिष्ठित RRR का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। यही नहीं, अजय देवगन प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। भले ही उनकी रनवे 34 असफल हुई हो, परंतु दर्शकों की उत्सुकता से उत्साहित होते हुए अजय देवगन ने एक अन्य रीमेक की भी कमान संभाली है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रचनात्मकता को प्राथमिकता देने की बात करने वाले हम लोग रीमेक का नारा क्यों बुलंद कर रहे हैं। कहते हैं ना, तरीका होता है, अगर सही से बनाओ तो हर फिल्म चलेगी, रीमेक भी। अजय देवगन अगले वर्ष भोला निर्देशित करेंगे, जो लोकेश कनागराज की बहुचर्चित कैथी का रीमेक है। रनवे 34 की मिश्रित प्रतिक्रिया के पश्चात अजय देवगन ने इस लंबित प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का बीड़ा स्वयं के कंधों पर ले लिया। अभिनय के साथ साथ निर्देशन का भी दायित्व संभालने पर यह जांचना कठिन हो जाता है कि आप कितने योग्य सिद्ध हुए हैं, परंतु इस दिशा में अजय देवगन ने लोगों को अब निराश नहीं किया है। रनवे 34 इन्हीं के मजबूत कंधों पर टिकी हुई थी और कई वर्षों के बाद बॉलीवुड को एक दमदार थ्रिलर देखने को मिला था। जिन लोगों ने अजय देवगन के निर्देशन की फिल्मों को देखा वो ये देखकर प्रसन्न हुए कि अजय देवगन धीरे धीरे एक निर्देशक के तौर पर भी निखर रहे हैं। कभी उमी और हम जैसी फिल्में बनाने वाले अजय देवगन ने शिवाय के जरिए VFX के क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई और रनवे 34 के जरिए उन्होंने सिद्ध किया कि यदि उन्हें सही अवसर प्राप्त हो तो वे एक उच्चतम मनोरंजक फिल्म बना सकते हैं। ऐसी फिल्म जिसमें कथा भी दमदार होगी, जिसकी कमी से बॉलीवुड सबसे अधिक जूझता है। परंतु इसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रनवे 34 औंधे मुंह गिर पड़ी और KGF का रथ बॉक्स ऑफिस पर अनवरत चलता रहा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन की दृश्यम 2 के लिए जहां बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत उत्सुकता होगी, वही कुछ विरोधी भी होंगे। परंतु यदि यह फिल्म चलती है तो वह केवल एक कारण से, जो स्वयं इस फिल्म के संवाद में है। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन ही देता है।